आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। जहांगीरपुरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत भरा बर्ताव किया है। उसकी इस हरकत से इंसानियत भी शर्मसार है। मामूली से झगड़े के बाद पति ने अपनी पत्नी पर करीब दर्जन भर पेचकस से वार किए। हैवानियत की हद पार करते हुए उसने शरीर के सभी हिस्सों पर लगातार वार किए और जब इस पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी की नाक को अपने दांतों से चबा डाला, जिससे महिला घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या हुआ था? हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं सर। हाँ। हमेशा से ऐसे जब से शादी हुई थी मेरी बेटी को हमेशा पड़ताड़ित करता था। हम लोग सुनते थे फिर भी कहते थे कि चलो जाने दो, समय है, वक्त है, सुधर जाएगा, अपना परिवार देखो। हम लोग इन्हीं को समझाते थे कि अब चलो जाने दो, वो बोलता है तो आप मत बोलो, सुधर जाएगा, ऐसे रहते रहते बच्चे हो जाएंगे तो संभल जाएगा। पर वो नहीं संभला, उसका वारदात बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया, इस नतीजे को पहुंच गया कि इसका मतलब मर्डर करने के एकदम मूड में हो गया। एक बार दो बार मर्डर नहीं हुआ, बहुत बार मर्डर हुआ। हम लोग आते नहीं थे, सोच रहे थे कि घर परिवार है, संभाल लेंगे बस। पर इस बार हम लोग इतना मतलब वो मर्डर करने के उतार, मर्डर कर ही दिया था, समझ लीजिए कि नहीं कोई पहुंचा होता तो मर गई होती, पता नहीं किसके भाग से बच गई है। पड़ोसियों के मुताबिक मामूली सी गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा भयंकर अंजाम तक जा पहुंचा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घायल महिला का इलाज जारी है।